हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। तो मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अपनी घर के छत पे बैठा हुआ हूँ। तो यार आज का दिन संडे का इतना ज़्यादा बोरिंग बीता है ना यार मेरा, क्योंकि लॉकडाउन पंजाब में, क्या हर जगह पे संडे को लॉकडाउन लग जाता है तो यार कहीं पर निकल नहीं सकते। तो आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यार, वो वीडियो जिप्सी को मॉडिफाइड किया हुआ है, जीप में आउट ऑफ इंडिया का टच दे रखा है। जैसे कि इंडिया के बाहर में जो जीप मॉडिफिकेशन होती है उस टच में गाड़ी को रेडी किया गया है। जो भैया हमारे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने पंजाब में आके गाड़ी अपने घुमाने के लिए बहुत प्यारी रेडी कर रखी है जीप के टच में। तो यार वीडियो को एंजॉय करना। तो यार एक चीज़ तो यार आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो यार कि कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब तो करना ही करना है यार, जो अनलॉक जो नई जिसने सब्सक्राइब कर रखा, जो बंदा यार वीडियो हमारी देख रहा है, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ यार कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, कि हमारे यार हमारी वीडियो से आपको यार छोटी से छोटी नॉलेज मिल पाएगी। तो मिलते हैं हम वीडियो। तो गाइस जैसे कि मैं शुरुआत करने लगा हूँ कि यार ये गाड़ी का मॉडिफिकेशन में फ्रंट की तरफ से हम चालू करते, तो इसमें जीप के अंदर की जो जीप में ग्रिल आती है उसको मॉडिफिकेशन में फ्रंट पे रखा गया है, जो कि गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा प्यारा बना रही है। और इसमें हेडलैम्प जो से यूज़ करेंगे LED में यूज़ करेंगे, उसके नीचे जो प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे वो मल्टी कलर वाला प्रोजेक्टर है। फिर हम आते हैं बम्पर की तरफ, तो बम्पर हमारे पास ऑफ रोडिंग वाला जो उनका लोहे का बम्पर आता है उसको फिट किया गया है। तो बम्पर के ऊपर जो है बार लाइट फिट की गई है, जो कि गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा प्यारा बना रही है। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी करी गई है, और जो गाड़ी की मेन चीज़ जो कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा लुक बहुत ज़्यादा प्यारी बना रही है, वो है गाड़ी व्हील, गाड़ी के अलॉय ऑन व्हील्स, जो कि बहुत ज़्यादा फंकी तरीके दिखाए गए। जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि यार वीडियो में जो उनकी हेडलैम्प है बहुत प्यारी लग रही है। नीचे प्रोजेक्टर की तरफ हम आपको, मैं अभी बताया कि मल्टी कलर में है, वाइट कलर का अंदर से जलता है। फॉग लैम्प बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जो बार लाइट आपके सामने दिखाई जा रही है कि कैसे में उसको प्लेस किया गया है, जीप की बैचिंग आप लोग बताओ कैसी लग रही है, तो कमेंट जरूर करना यार। ये देखिए आपके सामने फुल तरीके से शो किया जा रहा है। जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा था कि हाँ नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट करी गई है नंबर प्लेट की। फॉग लैम्प आप देख चुके हो जैसे कि बम्पर में फिट करे गए हैं, और जो बोनेट है उसको लॉक करने के लिए जो इंपोर्ट करे गए हैं, इसके लॉक जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा फाइन और अच्छी क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं। आपके सामने भैया हमारे खोल के आपको दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं, तो गाड़ी की जो फ्रंट लुक है आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बल्की लुक में आ रही है। भैया हमारे एक लॉक बंद कर रहे हैं, तो हम आपको अब लाइटों का टेस्टिंग भी जरूर दिखाते हैं। भैया हमारे ऑन करने लगे हैं, तो यार लाइटों का रिस्पांस बताना कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। तो भैया हमारे हेडलैम्प ऑन करने लगे हैं, तो बताओ कैसी लगी। मैंने आपको जैसे बताया था कि मेन हेडलैम्प के नीचे जो लाइट फिट करी गई है प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर या हम उसे नॉर्मल लाइट कहें, तो उसमें मल्टी कलर में लाइट जली है। हाई नॉर्मल हमारा बीम यूज़ हो चुका है, जिसको कहते हैं लो बीम। हाई बीम आपके सामने दिखाया गया कैसे में जलता है, तो लाइट की जो प्यारी रोशनी आ रही रात को तो हो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जैसे कि आप लोग, भैया ने DRL उसका ऑन करके दिखाया, रिंग जो चल रहा है उससे गाड़ी की कहीं ना कहीं लुक को बहुत ज़्यादा प्यारा टच मिल रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि हाँ लो बीम हाई बीम उसके अंदर कितनी LED है। हाई बीम भैया ने ऑन करके आपको दिखाया है, तो यार लो बीम देख लीजिए, हाई बीम में नीचे वाला जो प्रोजेक्टर वो जलता है, साथ नीचे लिए आपको दिखाई गई जिसमें मल्टी कलर में हमारा नीचे रिंग फिट करा गया, उसके अंदर से वाइट लाइट जलती है। तो हमारा जो फॉग लैम्प्स हैं वो LED में फिट हुए हैं रात को, तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके सामने कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। जब मैं गाड़ी की बैक साइड पे आता हूँ, तो बैक साइड में आपको यार दिख रहा है कि हाँ भैया ने बैक साइड से बहुत प्यारी गाड़ी रेडी कर रखी है। पीछे स्टपनी हटा के उसकी जगह एक प्यारा सा स्टैंड को फिट करा गया है। बैक साइड जो बम्पर है वो भी स्टील का ही है, मतलब लोहे का ही है, जिसको पेंट कर रखा है। और बैक साइड की जो लाइटें हैं भैया ने कस्टमाइज लगा रखी हैं। साइड में हम देखें तो अलॉय व्हील्स और टायर की तरफ जरूर नज़र जाती है, हमारी क्या हर किसी की नज़र जा रही होगी। जो ऊपर के जो उसके गार्ड लगे हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ मड गार्ड टाइप बोल सकते हैं कि हाँ, वो भी अलॉय के ही बन रखे हैं। और गाड़ी के कहीं ना कहीं गाड़ी को लुक जो दे रहे हैं मेन अलॉय व्हील्स और टायर दे रहे हैं। मेन चीज़ आपको बता, जिसके अलॉय व्हील्स इंपोर्ट करे गए हैं इंडिया से बाहर से, तो कैसी लग रही है यार आप जरूर कमेंट करके बताना।
इसके अंदर 15 इंचेस के अलॉय और एम्प्टी टायर फिट करे गए हैं। गाड़ी को पूरा ब्लैक ग्लोसी के अंदर टच दिया गया है। छत इसकी आपके सामने फुल ब्लैक में है, ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, बहुत प्यारी गाड़ी को लुक मिल रहा है। लाइटें नहीं, वो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ लुक के लिए उसको ब्लैक कलर में टच दिया गया है, जो उसको बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो हमर वाला टाइप का लुक दिया गया है। मेरे को बहुत ज़्यादा गाड़ी पसंद आ रही है सच्ची में यार। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना यार। और गाड़ी का आपको साइड व्यू और एक बैक व्यू मिल चुका है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार आपके सामने फ्रंट लुक साइड लुक आ चुकी है, अब बात आती है इंटीरियर की। तो नीचे से भी भैया हमारे जैसे कि फोकस करके दिखा रहे हैं कि हाँ। और गाड़ी की मेन चीज़ आपको बता दूं, गाड़ी के अंदर जो उनसे सस्पेंशन फिट करा गया है हमारे जैसे कि पंजाब में करते हैं पट्टे कमानिया, जो कि किसी भी हमारी पंजाबी भाषा में उसे पट्टे कमानिया कहते हैं, तो आपको उसकी भी हम आपको रिव्यू कराते हैं अभी। तो गाड़ी के अंदर जो उनसे मेन चीज़ फोकस करने वाली है फ्रंट लुक होगी और गाड़ी के हो गए अलॉय टायर, जो कि मेरे हिसाब से गाड़ी को जो कि लिफ्ट करा गया है 6 से 7 इंच और एक्स्ट्रा लिफ्ट कर रखा है गाड़ी को। साइड की लुक आप देख सकते हो, ये जिप्सी को मॉडिफाइड कर रखा है। मेरे को तो लगता नहीं यार किसी एंगल से कि हाँ ये जिप्सी थी, ये तो मेरे हिसाब से कस्टमाइज की हुई। गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये कि गाड़ी के अंदर स्पेशल सस्पेंशन दिया गया है जिसको हम पंजाबी में पट्टे कमानिया बोलते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ यानी कि दिखाता हूँ। उससे पहले यार गाड़ी के अलॉयज ऑन टायर के ऊपर से यार तो फोकस इन हट ही नहीं रहा, जो कि 15 इंच प्लस एम्प्टी टायर के साथ आपको मैं बताया दिए गए हैं। और गाड़ी का जो सा नीचे फुट रेस्ट है, मतलब फुट पैर रख के चढ़ने के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो स्पेशल कस्टमाइज कर रखी है। नीचे से भी गाड़ी फुल मैट ब्लैक में रेडी करी गई है, टिप उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगाई गई है साइलेंसर को, और आपके सामने गाड़ी को बहुत प्यारा टच दिया गया है। साइड के जो मिनर है वो स्पेशल कस्टम किए गए हैं। आपके सामने गाड़ी की लुक है, तो आप बताना जरूर कि आपको कैसी लग रही है यार, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि आपके लोगों को सामने एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, शीशे की प्रॉपर फिटिंग आ रही है, ऊपर जो लाइटें लगाई गई हैं रात को ये चलती हैं, तो क्या बताना यार कैसी लग रही है यार। ब्लैक टच के अंदर लाइटें लगाई गई हैं, देख रहा आप प्रॉपर से काम जहाँ से भी हुआ प्रॉपर हो रखा है भाई, तसल्ली है भाई के काम की। तो यार सलूट ऐसे भाई को। आपके सामने पेंट का भी भैया आपको स्पेशल दिखा रहे हैं यार, बताना जरूर कैसा लग रही है गाड़ी यार। तो मिलते हैं हम अंदर के इंटीरियर पे। इंटीरियर देखने से पहले हम यार गाड़ी का बैक साइड पे दोबारा आए हैं कि हाँ आपको डेगी में जो आपके गाड़ी का में साउंड जो रखा हुआ उसका सिर्फ एक रिव्यू देंगे, बजा के हम बिल्कुल नहीं दिखाने वाले यार। तो आप लोग एक बार यार रिव्यू चेक करो। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पीछे एक स्टैंड लग रखा है जिस पे स्टपनी टिकती है, तो यार भैया ने वो खोल दिया आपके सामने। तो पहले निचला हिस्सा खोलता है डिगी का, उसके बाद मिरर को अप किया जाता है। तो मिरर को अप करते सर आपको कुछ अंदर के इंटीरियर का जजमेंट होगी होगी। जैसे कि आप देख रहे हो बाहर डिगी के जो पंप वो है गार्ड, उसके ऊपर भी बहुत प्यारा तरीके से फिनिशिंग तरीके से कपड़ा लगाया गया है। बूफर अंदर 2 रखे गए हैं, वो भी सोने के, 4 ओवल लगे हुए हैं, और अंदर का इंटीरियर का आपको यहीं से जजमेंट होगी होगी कैसा लग रहा है। तो भैया हमारे वापस बंद करने लगे हैं, तो यार देखना कि हाँ फिटिंग कितनी प्यारी है, पता भी नहीं चल रहा था कि हाँ खुलनी कैसे है। देख रही आप किस हिसाब से भैया ने फिटिंग करी है कि हाँ देख लो कितने प्यार से ओपन इट है, कितने प्यार से बंद है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि हाँ ये खुलता कैसे है। तो यार जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाँ बैक साइड का बम्पर भी लोहे का है, साइड गार्ड भी ऐसे आपको बताया मैंने लोहे के ही हैं, कि हाँ पूरा का पूरा गाड़ी का काम बहुत प्यारे ढंग से फिनिशिंग के साथ किया गया है। अब बात आती है हमारे इंटीरियर की, तो भैया हमारे इंटीरियर अंदर से आपको दिखाएंगे, मतलब कहने का मतलब हम आपको पूरा इंटीरियर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये भैया ने शूट करके भेजी है। जैसे कि भैया आप आपको दिखा रहे हैं कि अंदर के टैन और ब्लैक कलर में गाड़ी रेडी करी गई है, बहुत प्यारे तरीके से फिनिशिंग के साथ गाड़ी रेडी है। तो फ्रंट में हम आते हैं, तो फ्रंट में भैया ने जैसे दरवाज़ा खोला है तो हमें अंदर थार का जो मेन डैशबोर्ड होता है थार का लगा दिखेगा। अभी आपको गाड़ी का भी रिव्यू आपको देते हैं, तो आप जरूर मैसेज करके बताना यार किसी ने अगर ये गाड़ी का पूरा का पूरा इंटीरियर अगर किसी ने देखना हो तो किन्ने, तो हमें यार प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ हम गाड़ी के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे भैया से कि हाँ भैया हमें आप अपने पास बुलाएं या भैया हमारे पास आ जाएं तो हम वहाँ जाके शूट करेंगे। तो यार इंटीरियर आपने देखा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा फाइन एंड बहुत हाई क्वालिटी में गाड़ी को रेडी किया गया है।
तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया था कि भैया आउट ऑफ इंडिया रहते, तो भैया ने इस गाड़ी को देख के उस गाड़ी को इंडिया में डिज़ाइन किया गया है। तो यार आप लोग ज़रूर बताना यार, किसी ने अगर इंटीरियर देखना हो या गाड़ी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना कि हम यार गाड़ी के पास जाके गाड़ी को शूट कर पाएँ दोबारा। तो दोबारा क्या यार, मैंने तो पहली बार गाड़ी को शूट करूँगा, अभी तक तो मेरे को भी वीडियो में देखने को मिली है, तो ज़रूर बताना यार। और गाड़ी का आपको कैसा व्यू लग रहा है, इस गाड़ी को देख के उस गाड़ी को बनाया गया है, ये आउट ऑफ इंडिया की गाड़ी है यार, वो इंडिया में रेडी करी गई है, तो ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो यार कमेंट भी जरूर करना, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है यार, ये गाड़ी का जो फ्रंट लुक है बहुत प्यारा है, इस गाड़ी को देखते हो उस गाड़ी को बनाया गया, तो वीडियो इंजॉय करना। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार गाड़ी का सस्पेंशन पटे कमानियों के ऊपर दे रखा है, जो पंजाबी भाषा में जिनको पटे कमानिया कहते हैं, क्योंकि गाड़ी की जो जंपिंग है उसको बहुत ज़्यादा इनहाइस करती है यार, कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यारा सस्पेंशन मिलता है। तो गाइस कैसी लगी यार वीडियो बताना यार, किसी को अगर इंटीरियर पूरा देखना हो यार, गाड़ी का और व्यू लेना हो जो कि मेरे एंगल के थ्रू आपने लेना हो, कहने का मतलब है कि यार मेरे शूट के ऊपर आपने प्योर प्योर जो जेन्युइन सी ये गाड़ी की सब देखनी हो, तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि यार मैं आप लोगों के सामने पूरी गाड़ी की वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।